अग्निपथ योजना मैंने पहले भी बोला था कि दोनों के लिए हानिकारक है, एक तो अपने जो युवा हैं उन युवाओं के लिए कई मायनों में हानिकारक है कि 4 साल के बाद वो पूर्व सैनिक कहलाएंगे, उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरा कई सारी दिक्कतें हैं जो युवाओं ने ऑलरेडी अपने अपने स्तर पे बोली है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि सोचने की बात है, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कई टीवी चैनलों पे रक्षा विशेषज्ञ जो हैं उनकी बातें सुनी, उनका ये मानना है कि इससे सेना की लड़ने की कैपेसिटी और सेना की तैयारी पे थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड सैनिक कहाँ मिलता है। तो 4 साल की एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग वाला सैनिक अगर हम उसको सेना से बाहर निकाल देंगे तो ये तो देश का नुकसान है। ये तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसको रिव्यू करना चाहिए। अग्निपथ योजना मैंने पहले भी बोला था कि दोनों के लिए हानिकारक है, एक तो अपने जो युवा हैं उन युवाओं के लिए कई मायनों में हानिकारक है कि 4 साल के बाद वो पूर्व सैनिक कहलाएंगे, उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरा कई सारी दिक्कतें हैं जो युवाओं ने ऑलरेडी अपने अपने स्तर पे बोली है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि सोचने की बात है, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कई टीवी चैनलों पे रक्षा विशेषज्ञ जो हैं उनकी बातें सुनी, उनका ये मानना है कि इससे सेना की लड़ने की कैपेसिटी और सेना की तैयारी पे थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड सैनिक कहाँ मिलता है। तो 4 साल की एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग वाला सैनिक अगर हम उसको सेना से बाहर निकाल देंगे तो ये तो देश का नुकसान है। ये तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसको रिव्यू करना